मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। करण जौहर के चैट शो पर जब इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को प्लास्टिक कहा था तो सभी हैरान हो गए थे। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया में ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी खूबसूरती का मिलना मुश्किल है, लेकिन इस बात की भी खूब चर्चा होती है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करियर के शुरुआती दौर में प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। वैसे ऐश्वर्या राय बच्चन ने ऐसा किया था या नहीं इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराने पर बयान दिया है। ऐश्वर्या ने कहा कि इस दौर में कुछ भी किसी से छिपा नहीं रहता, वैसे भी ये अपनी चॉइस है कि हम अपने लिए क्या प्लान करते हैं। ऐसे ही हेयर कलर पर भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा कि 20 साल पहले वो इसके बारे में नहीं सोचती थी क्योंकि उनके बाल कुदरती तौर पर ब्राउन है और उनमें स्ट्रीक्स भी नजर आती है, लेकिन एक ब्रांड एंडोर्समेंट के बाद जब उन्होंने इसे ट्राई किया तो ये उनके रूटीन में शामिल हो गया। वहीं डाइट के बारे में भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने बताया कि वो ऐसे प्रोग्राम में विश्वास नहीं करती हैं और उन्होंने कभी डाइट प्लान आजमाया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी जरूरत रहती है और ऐसे में बेहतर यही रहता है कि वो पूरी जानकारी के साथ कदम उठाएं। ऐश्वर्या आगे कहती हैं कि बाकी किसी को सलाह देने का काम मेरा नहीं है। ऐसा ही डाइट सप्लीमेंट्स पर भी है कि इनको लेने से पहले इससे जुड़ी सभी बातें जानना जरूरी है। वहीं जहां तक काम की बात है तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने बताया कि उन्होंने बड़े बैनरों की फिल्म इसलिए नहीं साइन की क्योंकि वो अपना काम एंजॉय करना चाहती हैं, ना कि बैनर गेम में उनको उलझना है। ऐश्वर्या राय बच्चन को अगर ऐसे में कम मूवीज भी मिलती हैं तो भी वो उसमें खुश हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।